आज मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बायोलॉजी का मैं बताऊंगा सेक्शन सी। सेक्शन ए मैंने बता दिया है, सेक्शन बी भी हमने बता दिया है, लोड कर दिया है। अब है सेक्शन सी। अब मैं आपको सेक्शन सी हुआ जो बताऊंगा। सेक्शन सी द क्वेश्चन है जो आप देखिएगा, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्रा ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ई कोलाई। वेक्टर है, देखिए वेक्टर है PBR 322। ये आपका वेक्टर तैयार करना है, फिगर बनाना है और ये सब उस पर मार्क करना है। पोरी, रॉप, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, रिस्ट्रिक्शन सीट ऑफ बैम H1 और रिस्ट्रिक्शन सीट ऑफ इकोलाई। मतलब फिगर बना करके इसका जो है ना, कि आप फिगर बनाइएगा और फिगर बना करके इसको आप उसमें दर्शाइएगा। बस यही है, NCERT में लिखा हुआ है, CRT फिगर दिया हुआ है, आप उसको बनाइएगा। तो इसका जो आपका आंसर हुआ वो इसी तरह से करना है आपको, तब नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर का है, देखिए ये फिगर आपको ड्रॉ करना है जो NCERT में है। देखिए ओरी यहाँ लेवलिंग करनी है, रोप यहाँ लेवलिंग करनी है, इधर देखिए टेट्रासाइक्लिन है, रेसिस्टेंट है जिसमें BAMH1, इधर एम्पिसिलिन, उसके बाद इकोराइसीट है। तो इस तरीके से आपको ये 3 नंबर का फिक्चर है। 3 नंबर में देखिए हाफ 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 इस तरह मिलेंगे, इसका हाफ मिलेंगे, इसका हाफ मिलेंगे, इसका हाफ रहेगा, हाफ ये हाफ, इस तरह से मार्किंग। अगर कोई भी मिस्टेक आपको हो जाए, कोई भी छूट जाएगा, तो जैसा किताब में क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन के ही आधार पर आपको करना है। जो क्वेश्चन में आपका मेंशन है, जैसे क्वेश्चन में क्या मेंशन है, देखिए चारों मेंशन है, ये चारों को आपको दर्शाना है और सब हाफ हाफ नंबर का है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर है, ये कोई भी अब छूट जाएगा तो आपको आधा नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लेवलिंग करना है, इसको फिगर ड्रॉ करना है, जिसका सही आंसर आपको ये ऐसा वाला है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ एग्रो बैक्टीरियम एज ए वैक्टर एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग मेलोइड डोजाइना इनकोग्निटा इन्फेस्टेशन इन टोबैको प्लांट, एक्सप्लेन इन करेक्ट सीक्वेंस। कह रहा है कि टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट पर एक जो पैथोजेंस है मेलोइडो जाइना इनकोग्निटा, ये अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो हम ये सवाल कह रहे हैं कि एग्रो बैक्टीरियम एक वैक्टर है, ये कैसे हम यूज़ करें कि वो कंट्रोल करेगा, बस इसका ही स्टेप्स देना है। आपका ये 3 नंबर का है, तो देखिए इसका ही स्टेप्स है। इसके स्टेप्स में देखेंगे आपका, देखिए स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस, कैसे कैसे आप करिएगा, आप इसको यूज़ कैसे करिएगा, जो एग्रो बैक्टीरियम है वैक्टर के रूप में आप यूज़ कैसे करिएगा। तो निमेटोड जो है स्पेसिफिक जीन्स है उसको हम होस्ट में इनोकुलेट करेंगे। होस्ट कौन है, टोबैको, टोबैको हम डालेंगे उसमें। डालने के लिए हम कौन बैक्टीरिया किसको यूज़ करेंगे, एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर्स को, यानी इसके माध्यम से जो खास जीन्स है उसको टोबैको प्लांट में हम डाल देंगे। अब ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ DNA वो तो चला गया अंदर, अब जो DNA का हमने इंट्रोडक्शन किया है वो 2 तरह के RNA का प्रोडक्शन करता है, एक सेंस का और दूसरा एंटी सेंस RNA का। हमने एग्रो बैक्टीरियम वैक्टर्स के माध्यम से स्पेसिफिक जीन को इनोकुलेट किया और वो जो DNA उसमें गया वो DNA 2 को स्ट्रेन तैयार करेगा, सेंस और एंटी सेंस होस्ट में। ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलकर के डबल स्टैंडर्ड RNA बनाएगा, याद रखिएगा। आइए डबल स्टैंडर्ड RNA से RNAi का फॉर्मेशन होगा, इसको कहते हैं RNA इंटरफेरेंस।
अब ये आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है वो साइलेंस्ड करेगा, साइलेंस का मतलब रोकेगा किसको, जो एमआरएनए तैयार हुआ है निमेटोड से, निमेटोड डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है, जो प्रोटीन तैयार कर रहा है, प्रोटीन कैसे तैयार हो रहा है, वहाँ जो डीएनए है डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है और एमआरएनए से प्रोटीन तैयार होता है जो आपको उसको डिस्ट्रॉय करता है। अब इस आरएनए आई जो है क्या करेगा, एमआरएनए के साथ मिलकर के आपको उसके एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, उसके जो फर्दर एक्टिविटी है काम करने का है, उससे जो प्रोटीन तैयार होने वाले हैं ये है। तो आपको इसी को आपको स्टेप, हर स्टेप्स के लिए हाफ नंबर आपको दिया जाए। सबसे पहला काम हुआ कि आपको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम के फैक्टर के द्वारा, इसे इन्फेक्शन कराया गया। अब इसका जो है जीन उसमें चला गया, अब वो जो जीन डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ होस्ट में, उससे दो तरह के स्ट्रैंड, सेंस और एंटी सेंस आरएनए, अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था, अभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जिसको हम कहते हैं डीएसआरएनए, अभी डीएसआरएनए से एक आरएनए आई बना। अब ये आरएनए आई जो निमेटोड का एमआरएनए है जो खतरनाक है उसके साथ मिल करके इसको न्यूट्रलाइफाई कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, इसके एक्शन को क्या किया, ख़त्म कर दिया, इसको एक्शन को ख़त्म कर दिया, जिसके कारण हम जिसके चलते इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो ये था आपका दिस, अगर इस तरह आपने दिया होगा तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे और नहीं तो कुछ नंबर कट जाएंगे, तरीका है। अब अगला देखिएगा नंबर 24, 24 में देखिएगा एक्सप्लेन द रोल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, जब हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं तो इन दोनों का रोल क्या है, एक में फ्लॉक्स है और दूसरा में एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, तो इन दोनों का रोल क्या है वो देखेंगे। पहला देखिए फ्लॉक्स का रोल है, तो फ्लॉक्स क्या करता है, तो ये फ्लॉक्स क्या करता है कि जो इफ्लुएंट है उसका जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसका मेजर ऑर्गेनिक पार्ट को क्या करता है, कंज्यूम कर देता है, कंज्यूम का मतलब होता है कि ख़त्म कर देता है। तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं इफ्लुएंट को बहुत बड़े ऑर्गेनिक पार्ट को क्या करते हैं कि कंज्यूम करते हैं, ख़त्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बीओडी रिड्यूस हो जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब रहेगा, जब इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहेंगे, जब इफ्लुएंट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल को ख़त्म कर दिया तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घट गया, क्योंकि अभी तो डाइजेस्ट करने के लिए है नहीं, कंज्यूम करने के लिए है नहीं, तो ऑक्सीजन का डिमांड घट जाता है। ये पहला है फ्लॉक्स का। दूसरा कह रहा है कि भाई एनएरोबिक स्लज जो डाइजेस्टर्स होते हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर ये क्या करते हैं, तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में क्या होता है कि एनएरोबिक जो डाइजेशन है स्लज का होता है, यानी एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में एन एरोबिक डाइजेशन होता है स्लज का टेक्स प्लेस और निकलता है क्या, बायोगैस। तो इसके से सेक्टर्स में आप बताकर बायोगैस भी देते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। पहली बात तो ये देना है कि ये जो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हैं उसमें स्लज का डाइजेशन होता है डायरेक्ट, इसमें स्लज का डाइजेशन होता है और इससे एक गैस निकलता है जिसका नाम है बायोगैस। यदि आपने ऐसा लिखा है तो आपको तीन में तीन नंबर मिलेंगे, ये मार्किंग स्कीम है खुलने के तरह। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करता है, यहाँ देखिए एक पिक्चर दो पिक्चर और तीन को पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए वेयर हुज स्कल ए एन बी सी है, यहाँ जो दिया है किसका खोपड़ी है, एंड बीच ऑफ द टू आर मोर सिमिलर टू इच अदर, पहला सवाल करता है कि तीनों का खोपड़ी जो है स्कल है इसका पहचानिए किसका है, दूसरा यह है कि तीनों में कौन एक दूसरे से मिलता है, तीसरा भी सवाल ये भी कह रहा है कि भाई नेम द वन एप, एक एप का नाम बताइए और दूसरे का जो मैन लाइक प्राइमेट जो कि 1.5 मिलियन ईयर से वो पर्यंत, तो इसका हम आंसर देखते हैं, आंसर है इसका है देखिए, पहला जो है स्कल है ये ह्यूमन बीइंग्स का है,
पहला ह्यूमन बींग्स का है, दूसरा बेबी चिंपैंजी का है, तीसरा एडल्ट चिंपैंजी का है। एबीसी स्केल तीनों फिगर दिया हुआ था, ये तीनों में पहला मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का, दूसरा बेबी चिंपैंजी का, तीसरा एडल्ट चिंपैंजी का। और जहाँ तक समानता का है तो ए और बी स्केल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्केल, जिसको ए भी कहते हैं, मतलब ए और बी सिमिलर है। दूसरा नीचे वाले में बी सेक्शन में देखा गया नंबर ए जो एप लाइक है वो ड्राफ्ट इथिकस है। अब देखिएगा दिया हुआ है सवाल कि भाई एक एप लाइक है तो इसको ड्राइपिथिकस कहते हैं, और मैन लाइक प्राइमेट है जिसको राम पिथिकस कहते हैं। ये वाला जो नंबर वन था बी का वो ड्राइपिथिकस और दूसरा है राम पिथिकस। तो ये था 25 का। 26 का आप देखें, 26 में कह रहा है कि नेम द ग्रुप ऑफ ड्रग्स मूज एज स्केल्टल मॉलिक्यूल इज शोन बिलो। ये जो हड्डी दिया हुआ है, रचना दिया हुआ है, इसका नाम बताइए। पहला तो इसका नाम बताना है, और इसमें और भी प्रश्न है, इसको देखिए। पहला तो उसको नाम बताना है, और दूसरा प्रश्न है आपका हाउ आर सच ड्रग्स कंज्यूम। पहले नाम बताइए और फिर उसके बाद ये भी बताइए कि खाया कैसे जाता है, लोग खाते कैसे हैं। तीसरा है नेम द ह्यूमन बॉडी ऑर्गन अफेक्टेड बाई द कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग्स, इसको खाने से शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर में आप देखिएगा, देखिए इसका नाम है कैनाबिनोइड्स। वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का नाम है कैनाबिनोइड्स। ये खाया कैसे जाता है तो इनहेलेशन और ओरल डाइनेशन, या तो नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं। इसका तीसरा अंग है कि आ पार्ट है कि भाई शरीर का कौन अंग प्रभावित करता है, तो इसका शरीर का ब्रेन और हार्ट, ये दोनों जो पार्ट होते हैं इससे प्रभावित होते हैं। तो ये सेक्शन आपका 26 का एक था, लेकिन कोई बच्चा जो है और सेक्शन को लिखता है तो और सेक्शन में आप देखिएगा, देखिए और सेक्शन है, ये वाला अगर नहीं लिखिएगा तो कोई ये वाला लिखिएगा। तो इसका देखिए आंसर कहता है कि इसमें एंटीबॉडी का डायग्राम बनाइए, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, और उसके चारों पार्ट को लेबल करिए। पहली बात, चारों को पार्ट है, चारों पार्ट को लेबल करिए, तो हाफ हाफ नंबर का रहेगा, ये दो नंबर का रहेगा। आप कह रहा है कि उसका केमिकल नेचर क्या है, हाफ नंबर ये हो गया, प्रोटीन है, फैट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कह रहा है कि नेम द सेल एंड विच प्रोड्यूस देम, उस सेल का नाम बताइए जिससे इसका प्रोडक्शन होता है। तो चलते हैं इसको, इसमें देखिए मैंने इसको देख लिया है, कैनाबिनोइड्स, इनहेलेशन और ओरल इंजेशन, ब्रेन एंड हार्ट। अब ये देखिए, ये आपको पिक्चर बन, आपको ये पिक्चर बनाना है। एंटीजन बाइंडिंग प्रोसेस, ये पिक्चर आपको बनाना है जो एनसीईआरटी बुक्स में। इसमें देखिए एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये देखिए हैवी है, ये लाइट वाला है। देखो हैवी लेवलिंग हो जाएगा, एक लाइट है लेवलिंग हो जाएगा, आप ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं वो डाइसल्फाइड है, तो हाफ हाफ नंबर आपका हो जाएगा। चार को लेवलिंग करिएगा, हाफ हाफ नंबर हो जाएगा। और नीचे कह रहा है कि उसका केमिकल नेचर क्या है, तो इसका केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन। अच्छा, ये बनता कहाँ है, तो बी लिम्फोसाइट्स में, हमारे शरीर में जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, तो बी लिम्फोसाइट में बनता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, टी लिम्फोसाइट मदद करता है, वो करता नहीं है। अब हम 27 को देखते हैं। ए पी प्लांट हुज पर्पल कलर फ्लावर व्हेन क्रॉस्ड विथ ए प्लांट विद अ वाइट, एक पी प्लांट है जो पर्पल फ्रूट फ्लावर है, उसको हम क्या करते हैं, एक ऐसे प्लांट से करते हैं जिसको वाइट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो 50% प्रोड्यूस होता है ओनली विथ पर्पल। अब उसको सेल्फिंग कराते हैं, एकदम मेंडल्स लॉ के अनुसार है, और उसको सेल्फिंग कराएंगे तो 482 प्लांट्स आएंगे और विथ ए पर्पल का, और 162 आपका वाइट का आएगा। ये पर्पल का आया, ये वाइट का आया, ये वन जनरेशन में ये आया, फिर एफ टू जनरेशन में इतना इतना आया। तो कह रहा है एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस विद द पोनिट स्क्वायर के अनुसार। तो जो लॉ ऑफ आपका
डोमिनेंस है उसी के अनुसार हम करेंगे, जो क्रॉसिंग होता है उसके अनुसार हम करेंगे। क्रॉसिंग में देखिएगा लोगों ने किया है, देखिए उसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। मेंडल्स ने जो शुरुआत में कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल कैपिटल जो है टॉल टॉल के डॉर्फ के साथ किया था, उसी तरह से इसमें देखिए पर्पल फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, कैपिटल पी कैपिटल पी, स्मॉल पी स्मॉल पी थी, हाफ नंबर इसमें आप, इसका एक गैमेट आएगा, इसका में दो मिले, कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये हाफ नंबर हुआ। तो ये डोमिनेंट है इसलिए पर्पल कलर हुआ, यानी पर्पल जो है वो डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। आपका एबन जनरेशन में क्या आया? पर्पल। अब इसका हमने सेल्फिंग कराया, बहुत सिंपल है, देखिए एक सेल्फिंग कराया अपने ही पौधे में। तो अब ये पुनिट स्क्वायर हम तैयार करें, तो पुनिट स्क्वायर में हमने क्या देखा कि पर्पल तीन है और एक वाइट है, यानी रेशियो क्या आया 3:1, यानी आपका जो 482 था, 482 था, वो तीन का रेशियो था, 1:1 का रेशियो, इसमें भी आपको हाफ नंबर मिलेंगे। इस तरह से इसमें तीन नंबर आपको मिलेंगे, तो यही आपको दर्शाना था, क्रॉसिंग कराना था और 482 162 को दिखाना था, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, मेंडल्स का जो पहला एक्सपेरिमेंट है पिजम से टाइबम पर, बस उसी आधार पर है। इसमें सिर्फ पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर है, जो मेंडल्स ने 7 को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया था उसी में से एक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण क्या है, एक सवाल इसमें भी और भी डाला गया था, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? आपका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, इट इज़ ड्यू टू द कम्प्लीट डोमिनेंस। कम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि पर्पल डोमिनेंट है वाइट पर, यह कम्प्लीट है। जब पर्पल का रहेगा व्हाइट के साथ तो पर्पल अपना दिखा देगा, वही 3:1 है, यानी 1:2, 2:1 जीनोटाइप हो गया और ये फिनोटाइप हो गया 3:1। इट इज़ ड्यू टू द कम्प्लीट, ये हो गया आपका, ये कम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में हो गया, ये एक्सप्लेन था। एक तीसरा सवाल है आज, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो 28 में करा है कि आप मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्कोप फोर का डायग्राम बनाइए, एंजियोस्पर्म का, जिसको हम कहते हैं ना पोलन ग्रेन, वही चीज़ है, और उसका राइट द फंक्शन ऑफ एनी टू पार्ट। पहले तो फिगर बनाइए, लेवलिंग करिए, किसका, कम से कम 4 को लेवलिंग करना है, तो 4 को लेवलिंग करने का मतलब क्या समझे, 2 नंबर का हुआ, माने 4 को 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 4 को हुआ, तो 2 नंबर का हुआ। अब उसमें है कि आपको 2 को फंक्शन बताना है, वाई ड्रॉ द बेल लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ द मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्कोप और एंजियोस्पर्म एंड राइट फंक्शन, और 2 फंक्शन लिखना है, किसका, 2 गो का फंक्शन लिखना है। 4 गो में निकालने का मतलब फिगर बनाइए, 4 गो को लेवलिंग करिए और 2 गो का फंक्शन लिखिए। चलिए देखते हैं, तो यही पिक्चर है जो आपके एनसीईआरटी में उपलब्ध है, बहुत ही ईजी सवाल है। अब इसमें देखिए ये मेल गैमेटोफाइट, इसमें देखिए आपका ऊपर वाला क्या है, आपका वेजिटेटिव सेल्स होता है और ये जनरेटिव सेल्स होते हैं। इस तरह से आपको पिक्चर बनाना है इसमें, उसके बाद ये लेवलिंग करनी है। सबसे ऊपर एग्जाइन है, उसके अंदर है इंटाइन है, बाहर 2 लेयर से कवर से घिरा हुआ है, और ये सेल वेजिटेटिव है और ये सेल जनरेटिव है, ये जर्म पोर है। तो इस तरीके से लेवलिंग करनी है, यदि आप इतना लेवलिंग कर देते हो तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हाफ है, इसमें हाफ है, 2 लेवल, इसमें हाफ और इसमें हाफ। अब कह रहा है कि 2 का आप फंक्शन लिखें, हालांकि इसमें 4 का फंक्शन दिया गया है, लेकिन 2 कोई और का फंक्शन, देखिए लेवलिंग 1, 2, 3, 4, 5 गो है, तो कोई 4 गो आपको लेवलिंग करनी है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपको 4 ही था मिलेंगे। अब फंक्शन में लिखना है कि जैसे कि वेजिटेटिव है, तो वेजिटेटिव का क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, कि भोजन है, ये फूड पदार्थ को प्रदान करता है, भोजन रिजर्व रहता है पोलन जर्मिनेशन के लिए। जेनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड करके मेल गैमेट बनाता है। एक्साइन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। इंटाइन क्या करता है, पोलन टीम में भाग लेता है। इसी तरह से आपको याद करना है, लिखना था। जर्म पोर क्या है, इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। तो इस तरीके से इसमें 4 गो है, 4 गो का फंक्शन, लेकिन लिखना है आपको 2 ही गो,
माने चार लेबलिंग करनी है, लेकिन फंक्शन दो ही ग्रुप का लिखना है आपको, इसी को ध्यान में रखना है। सबसे बाहरी वाला लेयर को एग्जाइन कहते हैं, इसका काम ही है द प्रोटेक्शन। अंदर वाला लेयर इंटर्न का, जिससे जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। वेजिटेटिव सेल है जो फूड मटेरियल है, जो जर्मिनेशन के समय काम देता है। और जनरेटिव सेल जो होता है, इससे मेल गैमेट तैयार होता है। जर्म पोर होता है जिसके माध्यम से पॉलन ट्यूब बाहर निकलते, एक छेद है। तो इस तरीके से हमें आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो आपको फुल 3 के 3 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से हमने आपको सेक्शन सी के बारे में बताया। सेक्शन सी पूरी तरह से 3 नंबर का है, जितने भी क्वेश्चंस हैं 3 नंबर में, और वो तीनों नंबर का मैंने इसमें बता दिया है। आप जो भी एग्ज़ाम में लिखे हो उसके साथ इसको मैच कर रहे हैं। मेरे बताने का यही तरीका है कि आप परीक्षा में जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं, जो बच्चे परीक्षा नहीं दिए हैं, वो जानेंगे कि हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, आंसर कैसे देना है, सवाल को पढ़ करके उसका जवाब कैसे देना है, और तैयारी कैसे करनी है। सबसे बड़ी बात है कि तैयारी आप कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप का आंसर बताया है। अगला जो मैं बताऊंगा उसमें डी सेक्शन बताऊंगा। मैंने ए सेक्शन बता दिया, ए सेक्शन मैंने कर दिया है, बी सेक्शन मैंने कर दिया है, सी सेक्शन कर दिया, इतना मैंने कर दिया है। अब हम आपको अगला वीडियो में डी सेक्शन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।